जय श्री कृष्ण राधे राधे होली स्पेशल की शुरुआत हो रही है और इससे बेहतर क्या हो सकता था जी हाँ जब जब होली की बात होगी कृष्ण की बात तो होगी ही गोपियों से होली खेलते हुए मुरारी याद आएंगे ही तो चलिए हम भी कृष्ण की कृपा पाकर होली स्पेशल की शुरुआत कर देते हैं आज मैं आपको कन्हैया के ऐसे दस अचूक मंत्र बताऊंगी जिन्हें जपने से आपके कष्ट मिटेंगे और आप धनवान बनेंगे मंत्र जपने का तरीका भी बताऊंगी आज आपको कृष्ण जी के दिव्य पैर के दर्शन भी कराऊंगी भगवान के पैर का एक भी संकेत आपके पैर या आपके हाथ में मिल गया तो जीवन सफल समझिए और तो और आज वो एकादशी है जिससे विष्णु जी प्रसन्न होते हैं आंवले का एक खास उपाय आज विष्णु जी को भी प्रसन्न करने के लिए आप कर सकते हैं और लक्ष्मी जी को भी आज श्री कृष्ण की बात हो ही रही है तो आज मैं आपको पांचों महा उपाय भी श्री कृष्ण से जुड़े हुए ही बताऊंगी। जानते हैं पहला महा उपाय क्या है क्या आपके घर में सुख शांति नहीं रहती हल्दी की गांठ और तुलसी के पत्ते आप लेफ्ट हैंड में लेकर राइट हैंड से मंत्र पढ़ें क्लीम कृष्णाएँ सर्व कलेश नाशाए नम फिर हल्दी और साथ साथ तुलसी को श्री कृष्ण के चित्र या मूर्ति पर चढ़ा दीजिए होली पर अगर कुछ मांगना चाहते हैं तो कृष्ण जी से मांग लीजिए श्री कृष्ण के दस मंत्रों की जानकारी देने वाली हूँ ये जानकारी आपके बहुत बहुत काम आएगी आपको धनवान बनवाने वाले मंत्र हैं आइए एक एक मंत्र पर बात करते हैं इन मंत्रों को होली के दिन जरूर जपिएगा श्री कृष्ण की कृपा आप पर जरूर बरसेगी ये सारे मंत्र बहुत ज्यादा आराम से पढ़ूंगी ताकि आप नोट कर सके ध्यान रखिएगा कृम कृष्णाय नमः इस मंत्र के उच्चारण करने से अटके धन की प्राप्ति होती है और तो और आपके घर परिवार में सुख संपत्ति की भरषा होती है सारी ब्लेसिंग्स आती हैं मंत्र का जाप करने की विधि क्या है हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार इस मंत्र का ये विधान बताया गया है कि इसे सुबह नहाने के बाद घर के मंदिर में बैठकर आपके घर के जो भी मंदिर जगह है 108 बार जाप करना चाहिए इस मंत्र के जाप से इंसान के सभी कष्ट और साथ साथ दुख दर्दों का विनाश होता है खत्म हो जाते हैं और जो पैसे कहीं रुके हुए हैं कोई दे नहीं रहा तो वो भी आने शुरू हो जाते हैं दूसरा मंत्र है ओम श्री नमः श्री कृष्ण परिपूर्ण तमाय स्वाहा जी भगवान श्री कृष्ण का ये जो खास मंत्र है ये साधारण नहीं ऑर्डिनरी नहीं है ये सप्तकदाक्षर मंत्र है जी हाँ दूसरे मंत्र 108 बार जाप करने से सिद्ध हो जाते हैं पर इस मंत्र का जाप एक लाख बार करने पर सिद्ध होता है सिद्ध करने की विधि क्या है जाप के समय हवन का दशांश अभिषेक और अभिषेक का दशांश तर्पण और तर्पण का दशांश मार्जन करने का विधान होता है ये मंत्र सिद्ध हो जाता है उसे करोड़पति होने से जिसका ये हो जाता है उसे करोड़पति होने से कोई नहीं रोक पाता तीसरा मंत्र क्या है ध्यान से सुनिए गोल भय स्वाहा ये मंत्र देखने में तो सिर्फ दो अक्षर के लग रहे हैं लेकिन इस मंत्रों में सात शब्दों का प्रयोग किया गया है अगर इस मंत्र के साथ इस मंत्र के उच्चारण में थोड़ी सी भी अगर चूक हो जाए, तो ये मंत्र सिद्ध सिद्ध नहीं होता। सिद्ध करने की विधि क्या है इसके जापों की संख्या को तय नहीं किया गया फिर भी इस मंत्र का सवा लाख बार जाप करना चाहिए ही चाहिए अगर आप जल्दी धनवान बनना चाहते हैं तो आपको इस मंत्र का इस्तेमाल चलते हुए कुछ काम करते हुए या जगी भी अवस्था में कभी भी कर सकते हैं आप इस मंत्र का उच्चारण में कहीं कोई चूक, कोई चूक गलती नहीं होनी चाहिए चौथा मंत्र है गोकुलनाथाए नमः इस आठ अक्षरों वाले श्री कृष्ण के मंत्र को जो भी साधक जाप करता है उसको सिद्ध करता है उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं जी हाँ अब इच्छा धन से संबंधित हो यश से हो परिवार से हो जिससे भी हो लेकिन कामना पूरी हो जाती है ऐसा कहा जाता है इस मंत्र के लिए अब खास बात यह है कि इस मंत्र को जपने की सही विधि क्या है पहले तो देखिए उच्चारण में कहीं कोई गलती ना हो जब आप इसको सिद्ध करेंगे तो सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी श्री कृष्ण का पांचवा मंत्र है क्लीम ग्लौम क्लीम श्याम लांगाए नमः। पैसे के हालात को सुधारने के लिए इस मंत्र का उच्चारण सुबह के समय करना बेस्ट होता है ये मंत्र ना केवल आपकी जिंदगी में पैसा लाता है बल्कि आपकी फैमिली में आपकी फैमिली लाइफ में आए हर कष्ट को दूर कर देता है ये मंत्र बहुत ही शक्तिशाली माना गया है अभी तो मैंने आपको श्री कृष्ण के सिर्फ पांच महामंत्र बताए हैं पांच तो अभी बाकी हैं आज आमल की एकादशी है आज का दिन खास है आज हम कृष्ण जी की बात कर रहे हैं जी हाँ तो फिर विष्णु जी की बात ना हो ऐसा कैसे हो सकता है ये उन्हीं की एकादशी है जिसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ जी हाँ आइए जानते हैं अमल की एकादशी में भगवान विष्णु जो हैं इनकी पूजा अर्चना की जाती है इस दिन विष्णु भक्त अमल की एकादशी व्रत रखते हैं और इस व्रत में आंवले के वृक्ष की पूजा करते हैं कहा जाता है कि ये पावन तिथि सारे पापों का नाश करने की शक्ति रखती है और जो फल सौ गायों का दान करने से प्राप्त होता है उतना ही फल इस आमल की एकादशी के व्रत को विधि से पूरा करने पर प्राप्त होता है ये माना जाता है कि आंवले के पेड़ की उत्पत्ति श्री विष्णु के मुख से हुई थी इसीलिए इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है अब श्री कृष्ण का दूसरा महा उपाय क्या है जानिए क्या लेन देन में आपके पैसे फंसे हुए हैं रात को घर के पूजा स्थान में श्री कृष्ण का पंचामृत से अभिषेक करें फिर लेफ्ट हैंड में पाँच रुपये का सिक्का लें और राइट हैंड से मंत्र पढ़ें श्री नाथाय नमस्तुते, श्री नाथाय नमस्तुते। इस मंत्र का जाप करिए इसके बाद इस सिक्के को इस कॉइन को भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करके वहीं रहने दें सुबह इसे अपने घर की तिजोरी या लॉकर में रख दें होली पर कन्हैया की कृपा दिलाने वाली जानकारी अभी बाकी है मुझे याद है अभी तक मैंने सिर्फ श्री कृष्ण के पांच अचूक मंत्रों की बात की है पांच मंत्र अभी बाकी हैं वो मंत्र कौन से हैं उनसे आपको क्या लाभ होगा कष्ट कैसे दूर होंगे चलिए अब जान लेते हैं श्री कृष्ण का सिक्स जादुई मंत्र है ओम नमो भगवते श्री गोविंदाय ये मंत्र शादी से संबंधित है जिस किसी भी इंसान की शादी नहीं हो रही है या कोई मनचाहा विवाह करना चाहता है बेसिकली कोई पसंद है और उससे शादी करना चाहते हैं तो इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं इसकी सिद्धि द्वारा विवाह हो जाता है जो विवाह चाहते हैं उससे सुबह मतलब जिनको भी करना है वो सुबह उठकर नहा धोकर इस मंत्र का 108 बार जाप करें श्री कृष्ण का सातवां मंत्र है ऐन क्लीम कृष्णाय ह्री गोविंदाय श्री गोपी जन वल्लभाय स्वाहा इस मंत्र के प्रोनाशिएशन में थोड़ी कठिनता थोड़ी मुश्किल तो महसूस होती है लेकिन ये मंत्र उतना ही इम्पॉर्टेंट है उतना ही इफ़ेक्टिव है और बोलचाल में मधुरता लाता है स्वीटनेस लाता है ये मंत्र ऐसी शक्ति प्रदान करता है कि जिससे भी जिस भी इंसान से आप बात करेंगे अपनी बात मजबूती से रखना शुरू कर देंगे और लोग उसकी इज्जत ज़्यादा करने लगेंगे आठवां मंत्र है ओम श्री ह्रीम क्लीम श्री कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय श्रीम 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 ये 23 अक्षरों का बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली मंत्र है जिसके जाप से हर तरीके की बाधा का अंत होता है और घर में धन दौलत की वर्षा होती है ऐसी मान्यता है कि इस 23 अक्षर के मंत्र का रोज जाप करने से जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं आती हमेशा वैभव संपन्नता बनी रहती है श्री कृष्ण का नौवां मंत्र है ओम नमो भगवते नंद पुत्राय आनंद देव पुषे गोपीजन वल्लभाय वल्लभा श्री कृष्ण का अठाइस अक्षरों वाला मंत्र है जिसका जाप करने से जो भी इच्छा हो उस फल की प्राप्ति होती है जो भी साधक इस मंत्र का जाप करता है उसके सारे कष्ट दूर होते हैं मनोकामना पूरी होती है श्री कृष्ण का दसवां मंत्र है ओम कृष्ण कृष्ण महाकृष्ण सर्वज्ञ प्रसीद में रमा रमन विद्येश विद्यामाशु प्रयाक्ष में तैतीस अक्षरों वाले इस मंत्र में ऐसी चमत्कारी शक्तियाँ हैं जिस पर आप विश्वास भी नहीं कर पाएंगे इस श्री कृष्ण का जो भी साधक जाप करता है इस मंत्र का जाप करता है उसकी सारी प्रकार की विद्याएं उसको जो है प्राप्त हो जाती हैं ये मंत्र गोपनीय माना जाता है इसलिए करते समय किसी को पता नहीं चलना चाहिए ये आपको धनवान बेहद धनवान बना सकता है देखिए एस्ट्रो टिप के बदले मैं आपको होली टिप दे रही हूं क्योंकि ये होली स्पेशल में लगातार पांच दिन आपको दूंगी स्पेशल होली टिप जो आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगी आज मैं आपको बताऊंगी कि फूलों की होली खेलने से क्या होगा इसका क्या सिग्निफिकेंस है देखिए नेचुरल रंग जब बनने शुरू हुए तो नेचुरल चीज़ों से ही बने जैसे फूलों से बने पत्तियों से बने जब आप गुलाब के साथ होली खेलते हैं गुलाब की पंखड़ियों के साथ खेलते हैं या इसके नेचुरल कलर को यूज़ करते हैं तो इससे आपका शुक्र मजबूत होता है आप प्लानिटरी पोजिशन से आप गेन्स पाते हैं आपकी ज़िंदगी में लग्जरीज़ बढ़ती है ना सिर्फ रंग ये खुशबू भी आपके लिए बहुत अच्छी है ये खुशबू भी आपके जीवन में और लग्जरीज़ प्यार प्रेम को लाती है इसी तरीके से जब आप गेंदे के फूल से एनर्जी यूज़ करते हैं मतलब जब आप गेंदे के फूल को इस्तेमाल करते हैं चाहे लगाने पे सूखा सूखा या इसको अगर पेस्ट बनाकर भी आप इस्तेमाल करते हैं ये रंग जो है आपके स्वादिष्ठान चक्र का रंग है ये रंग आपके अंदर फायर एनर्जी को बढ़ाता है ये रंग धीरे धीरे आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाकर आपके एम्बिशन को भी बढ़ाता है क्योंकि ये इसमें येलो स्टिज भी है अपनी क्रिएटिविटी और एम्बिशन को बढ़ाने के लिए कभी कभी फूलों के साथ भी यू इस्तेमाल किया करें कलर थेरेपी होती है फ्लावर थेरेपी भी होती है लेकिन होली तो इसका नेचुरल प्रोसेस ही है त्यौहार तो के अंदर जितनी नेचुरल चीजों को यूज करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा अब गोविंद का तीसरा महा उपाय सुनिए क्या रात में बुरे सपने आते हैं रात को बुरे सपने आते हैं तो मोर पंख अपने पिलों के पास रख के सोइए इससे शांति मिलेगी मैं आपको लगातार आपके हाथ और आपकी किस्मत के बारे में बताती रहती हूँ है ना पर आज मैं आपको श्री कृष्ण के दिव्य पैर दिखाने जा रही हूँ भगवान के पैर में जो भी निशान है उनमें से कोई एक निशान भी किसी इंसान के पैर पे मिल जाए तो जीवन सफल समझिए आप अपने तलवे भी मैच कीजिएगा देखिए पहला सिंबल है आधा चांद इस तरीके से आधा चांद जिन लोगों के पैर के तलवों में भगवान श्री कृष्ण के समान आधे चांद का चिन्ह होता है उन लोगों को ऊंचा पद उन्नति और गौरव की प्राप्ति होती है इसी तरह से अगर किसी के पैर पर मछली का निशान है ऐसे मछली का निशान है तो ये भगवान विष्णु का अवतार होने का कारण है इसका मतलब अगर किसी और इंसान के पैर पर मछली का चिन्ह है तो इसका मतलब इंसान किसी भी प्रॉब्लम किसी भी सिचुएशन से निकल जाएगा अगर किसी के पाँव या तलवे पे या हथेली में मछली का निशान है तो इसे बहुत शुभ माना जाता है पांव के तले में शंख का निशान होना इस तरह से शंख का निशान होना पैर में समृद्धि का सूचक है और सफलता का सूचक है ऐसे लोग अधिकारी बनते हैं पैर में धनुष का चिन्ह भी बहुत शुभ होता है धनुष का चिन्ह कैसे होगा पैर में ऐसे हो जाता है कई बार इतना क्लियर तो नहीं हो पाता पर एक्चुअली में इस तरीके से धनुष का निशान बनता है आमतौर पर जो देखने में आता है वो यूं आता है धनुष का निशान ये अगर होता है तो फिर इंसान के लाइफ में फोकस से उसे सब कुछ मिल सकता है अगर किसी के पैर में ट्रायंगल का, का निशान है तो ऐसा होने पर प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा चारों ओर से फैलती है अंकुश का चिन्ह होना शुभ होता है अंकुश का चिन्ह पैर में कैसे होता है कई बार इस तरीके से भी हो जाता है बेसिकली किसी भी ट्री का या किसी भी लीव को रिप्रेजेंट करना इस तरीके से अगर चिन्ह हो जाए तो ऐसे लोगों में लीडरशिप क्वालिटी बहुत ज़्यादा होती है सरकारी नौकरी में इन्हें बहुत अच्छा रहता है बेसिकली गवर्नमेंट गेम्स होता है कई बार पैर पर कलश का निशान भी होता है कलश का निशान कैसे होता है ये ऐसे हो जाता है या कई बार ऐसे हो जाता है इस तरीके से कलश का निशान हो जाता है तो ये बहुत बड़ी किस्मत का सूचक होता है जिन लोगों के पैर में कलश का चिन्ह होता है वो धार्मिक विचार वाले होते हैं उन्हें आदर की प्राप्ति होती है रिस्पेक्ट मिलती है श्री कृष्ण का एक और बहुत उनके पैर पर चक्र का साइन था जो कि जिसके बारे में बहुत सारे ग्रंथों में भी लिखा गया कि चक्र का साइन इस तरह से या कई बार इस तरह से भी होता है अगर चक्र का साइन आपके पैर पर या आपके हाथ में है तो विदेश यात्रा करते हैं कहते नहीं इसके पैरों में चक्र रही है टिकता नहीं और वहां जाके धन कमाता है बेसिकली अपनी जगह से अपरूट होकर ये दूसरी जगह जाकर अपना कमाल दिखाते हैं अगर पाव के तलवे में कमल का निशान है कमल का निशान कैसे होगा पाओ के तलवे में इस तरीके से कमल का निशान कई बार ज्यादा भी हो जाता है कई बार तीन पेटल्स वाला भी होता है होता है तो ऐसे लोग दयालु होते हैं इनमें उदारता होती है ऐसे लोग धनी होते हैं और जरूरतमंदों की मदद करते हैं अगर हाथ पे या पैर पे स्वास्तिक का चिन्ह हो इस तरीके से स्वास्तिक का चिन्ह हाथ या पैर पर हो तो यह भी भाग्य का धन का ग्रोथ का सूचक माना जाता है अब आप देखिए इनमें से क्या कोई निशान आपके हाथ या पैर पर है अगर आप चाहें तो आंवले की मदद से मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं आपको कैसे मिलेगी माँ लक्ष्मी की कृपा आइए बताती हूँ आंवला वृक्ष का बांधा अगर आपको मिल जाए तो इसे बड़ी ढक्कन वाली चांदी की डिबिया में शहद के साथ डुबो कर रखी इससे अचानक धन प्राप्त करने की शक्ति मिलती है पूर्णिमा को आंवले की पूजा से भी माँ लक्ष्मी घर में प्रवेश करती हैं ऐसा कहा जाता है कि चांदनी रात में आंवले में औषधीय गुण भी आ जाते हैं अब आपको बताती हूँ कि किसके किसके घर में लक्ष्मी जी का वास होता है अन्न का सम्मान करने वाले लोगों के घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है जो दान करे गरीबों की सहायता करे मंत्र सिद्ध श्री यंत्र कनक धारा यंत्र कुबेर यंत्र जहाँ पे है वहां पर आंवले में शंख में कमल में और सफेद कलर में माँ लक्ष्मी बसती हैं। मधुर वाणी काम करने वाला जिसको गुस्सा ना आए जिसका दिल बड़ा हो जहाँ उत्सव हो शिव पूजा हो सुबह शाम पूजा हो जहाँ लक्ष्मी की पूजा हो आराधना हो अनुष्ठान हो कमल गट्टे की माला हो एक नारियल हो दक्षिणावृति शंख हो पारत शिवलिंग हो जहाँ कन्या का सम्मान हो वहीं पर लक्ष्मी निवास करती हैं। और तो और जो जल में आंवला डालकर स्नान करे और एकादशी के दिन भगवान विष्णु को आंवला अर्पण करे लक्ष्मी उनके पास ठहर जाती हैं। जहाँ माता पिता गुरु का सम्मान हो भक्ति भाव हो जहाँ पशु पक्षी की जहाँ पशु पक्षी की सेवा हो परिवार में कला ना हो जहाँ कोई झूठ ना बोले खमंड ना हो जहाँ पर मानवता हो प्रेम हो जहाँ रोज साफ सफाई हो स्त्रियों का सम्मान हो अब कन्हैया का चौथा महा उपाय जान लीजिए क्या आपको किसी अनहोनी का डर सता रहा है घर के दक्षिण पश्चिम कोने में मोर पंख लगाने से अचानक आने वाली परेशानियां कम होती हैं। एंटरटेनमेंट की बात बाद में पहले आपके कल फ्यूचर की बात क्या करना है कल आपको राशि के हिसाब से अभी मुझसे जानिए मेष राशि के लोग पान का पत्ता आप मंदिर में ज़रूर रखिएगा भाग्य साथ दे रहा है आपका 68 एट परसेंट वृश्चि राशि के लोग चिड़ियों को बाजरा खिलाइएगा किस्मत साथ दे रही है आपका 64 परसेंट मिथुन राशि के लोग बच्चों को मिठाई खिलाइएगा भाग्य साथ दे रहा है आपका 65 परसेंट कर्क राशि के लोग विष्णु जी की पूजा कीजिएगा साथ दे रहा है आपका सेवेंटी परसेंट सिंह राशि के लोग लक्ष्मी जी की पूजा कीजिएगा भाग्य साथ दे रहा है आपका सेवेंटी परसेंट कन्या राशि के लोग हनुमान जी की पूजा करें भाग्य साथ दे रहा है सेवेंटी थ्री परसेंट तुला राशि के लोग घर वालों के साथ बैठ कर खाना खाइए किस्मत साथ दे रही है आपका सिक्सटी सेवन परसेंट वृश्चिक राशि वाले लोग दही खा कर घर से निकलिए किस्मत साथ दे रही है आपका सिक्सटी एट परसेंट धनु राशि के लोग आलू की सब्जी खाइए भाग्य साथ दे रहा है आपका 65 परसेंट मकर राशि के लोग गणपति जी की आराधना कीजिए किस्मत साथ दे रही है आपका 77 परसेंट कुंभ राशि के लोग घर की साफ सफाई कीजिए भाग्य साथ दे रहा है आपका 59 परसेंट मीन राशि के लोग ज़रूरतमंदों की सहायता कीजिए किस्मत साथ दे रही है आपका 69 परसेंट फेसबुक पर हमारी एक शिखा श्रीवास्तव ने हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर की है उनके ऑफिस में कोई उनकी रिस्पेक्ट नहीं करता उनकी पुअर इमेज है लोग मजाक उड़ाते हैं चिंता मत कीजिए शिखा इसको ठीक करते हैं। अपने ऑफिस के डेस्क के साउथ पर अपनी फोटो रेड टेप से चिपका दीजिए ऑफिस के डेस्क के साउथ पर सेंटर में डेस्क पे कंपस रख के चेक कर लेना अपने कमरे के साउथ में भी अपनी फोटो लगा दीजिए और अपनी फोटो के ठीक नीचे हनुमान जी की वीर पोजीशन की पिक्चर लगा दीजिए आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी चलिए अब आपको आज के पांचवे और आखिरी महा उपाय जो कि है कृष्ण जी से जुड़ा हुआ इसके बारे में बताती हूँ क्या आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है किसी भी राधा कृष्ण के मंदिर में जाकर प्रभु श्री कृष्ण को पीले फूलों की माला अर्पण करें आपकी मनोकामना भगवान जरूर पूरी करेंगे आपको तो पता ही है कि अब कुछ ही दिनों में होली का दहन होगा और फिर मैं सोच रही हूँ कि आपको कल ही कुछ खास उपाय बता दूँ ताकि आप तैयारी कर सकें और आपको कोई नुकसान ना हो क्योंकि फिर आपको धीरे धीरे होली पर और भी तो बहुत सारी जानकारी देखनी है तो हमारे साथ बने रहिएगा होली स्पेशल में अपना ख्याल रखिए बाय बाय टेक केयर जय श्री कृष्ण